पूरा एकदम पापा का पसीना निकल गया गर्मी, पूरा गर्मी आ गया, पूरा चौखाते चौखाते, और ये देख सकते हैं कितना अच्छा धार हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सायन चोला शंकर स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, अभी आ गए हैं सुबह सुबह, देखिए पूरा कुहासा हुआ हुआ है और अभी हम लोग पानी पटाने आ गए हैं। प्याज पटाना है, वो परोर और करेला तो पटा दिए हैं, तो इधर पापा खींच रहे हैं और हम चलते हैं अब वहाँ प्याज को फोड़ते हैं, हाँ ना पापा? हाँ चलिए, ये देखिए पानी पहुंच गया है, चलिए इसको फोड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ है तो पटा देना है सब में। चलिए यहाँ फोड़ते हैं, अब ये फोड़ दिए दोस्तों, मेरा दो पारी पट गया, ये देखिए अच्छा तरीके से पटा दिए। चलिए अब आगे फोड़ते हैं यहाँ पे, फोड़ने लगे। ये फोड़ा हुआ हो गया, पानी जाने लगा दोस्तों, हम इतना सारा पटा लिए, ये देख सकते हैं छह पारी पटा लिए हैं और सूरज महाराज भी पूरा उग गए। एक घंटा लग गया छह पारी पटाने में, अभी और बचा हुआ है तो ये सबको पटाना होगा। ये पट गया, चलिए अब यहाँ फोड़ते हैं। ये फोड़ दिए, ये पानी जाने लगा, ये भर रहा है और पापा उधर खींच रहे हैं, वो देखिए। चलिए ये पट गया, चलिए अब फोड़ते हैं यहाँ। ये फोड़ दिए, ये आगे पानी जाने लगा दोस्तों, मेरा गारो पारी पट गया, ये देखिए ये भी पट गया, अब दो पारी बचा हुआ है और हो ही जाएगा। अब आधा घंटा लग गया गारो पारी पटाने में, चलिए ये आधा घंटा में हो जाएगा ये दो पारी। चलिए अब फोड़ते हैं यहाँ, ये फोड़ दिए, ये देखिए जाने लगा पानी, चलिए अब पटाते हैं सबको। दोस्तों अब थोड़ा सा बचा हुआ है चार को खेत, नहीं तो पूरा पट गया, ये देखिए पूरा पटा लिए। इधर भी हो गया, ये पूरा तो हो ही गया है और उधर तो सब हो गया है, चलिए ये भर गया। चलिए अब इसको फोड़ते हैं, ये फोड़ दिए दोस्तों, मेरा पूरा पट गया, ये देखिए पूरा सब अच्छा तरीके से पटा दिए। हाँ खोल दीजिए, ठीक है, तीन घंटा में पट गया पूरा। चलिए अब चलते हैं, पापा के पास पहुंच गए, थके नहीं ना? नहीं थके हैं, ताकि सुबह से लगल थे और अभी आठ दिन हाल रहेगा, आठ दिन रहेगा ना? हाँ, आठ दिन के बाद ही पटाएंगे फिर। हाँ हम लोग पापा तो अभी बोल रहे हैं नहीं थके हुए हैं। तीन घंटा लेकिन खींचे एकदम, तीन घंटा खींचने पर हाँ, जरा सा भी रेस्ट नहीं लिए, नहीं लिए। हाँ और हम लोग तो कई बार अभी बैठ जाते हैं, जाते हैं। लेकिन पापा पहले का आदमी है ना, हाँ पहले सल्फेट का खाना नहीं खाते थे ना पापा, अभी तो थोड़ा मोड़ा सल्फेट हो गया है। हम लोग घटा मड़ुआ खाते थे, हाँ पहले पूरा मांद का खेती होता था, इसीलिए ज्यादा पहले खेती नहीं होता था। हाँ हाँ पहले खेती नहीं होता था और बाद में ये रह गया बात की, मतलब पानी ठोरा रहा था ना, पोच पाच जा रहा था, बड़का धान लगाता था। हाँ ज्यादा भी धान नहीं होता था, नीर गाय के पोच ही जाता है खेत में। हाँ अभी सल्फेट का हो गया है खेती तो पूरा हो जाता है, छोटा धान है, उसमें मेहनत ज्यादा करता है आदमी तो ज्यादा भी धान मिलता है। हाँ चलिए खोलिए, हाँ ठीक, हाँ खोलिए, हाँ खोल रहे दोस्तों। हम लोग सोमट करके इधर हम लोग रखते हैं, इसी झुड़ में रख देते हैं ना पापा। पापा सबको रख दिए दोस्तों, हम लोग सब रख दिए ना पापा।
और हम लोग अब चल दिए घर की ओर, घर की ओर जा रहे हैं हम लोग। हाँ, अब खाना वाना खाना होगा, जाएंगे खाना वाना खाएंगे। हाँ, उसके बाद में दूसरा काम कोई सब पकड़ेंगे। हाँ, पापा का तो भूख लगता होगा, बहुत ही काम किए हैं ना पापा। हाँ, तीन घंटा एकदम लगातार खींचे हुए हैं रस्सी को। हाँ, पूरा खींच लिया ना ठंडा। हाँ, अच्छा तो भी हम लोग का ही है। अच्छा, हम लोग पूरा खींचते हैं पानी। हाँ, पापा का तो पूरा गर्मी देता होगा। हाँ, पहले लाट खुटा में खींच रहे थे, अब पहले लाट खुटा। हाँ हाँ, अब रिम का सिस्टम हुआ तो रिम से खींचे, उसके बाद अब लाइन का व्यवस्था हुआ तो लाइन में आदमी लोग पटा रहा है, लेकिन फिर भी हम अभी हम रिमे खुटा से पटा रहे हैं। पटा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, तो चलिए ठीक। हाँ, दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए, तो चलिए पापा आप दर्शन करना होगा। हाँ, और बता ये सबको देख सकते हैं, ये पूरा धूप का मजा ले रही है। मुर्गी अंडा पा रही है, ये देखिए मुर्गी अंडा पा रही है। ये मुर्गी अंडा दे दी ना पापा। हाँ लीजिए दोस्तों, हम धो के आ गए, चलिए अब खाना खाते हैं। दोस्तों हम खाना खा लिए और पापा भी खाना खा लिए हैं। कहाँ पापा? हाँ हाँ, पानी तो खा रहे हैं। हाँ, पानी तो खा रहे हैं। एक कुल्हाड़ी। हाँ, थोड़ा लकड़ी आनना है, सूखा लकड़ी। हाँ, जंगल तरफ थोड़ा खत्म हो गया ना। हाँ, जलावन खत्म हुआ है। हाँ, और आज पापा का काम भी छुट्टी है। हाँ, मेरा छुट्टी भी है। हाँ, लकड़ियाँ आना है तो आना। पूरा भयानक चोखा रहे हैं, देख सकते हैं पानी चोखा रहे हैं। और माँ भी खाना खा के बैठी हुई है इधर ना माँ। हाँ, तनी आज तन बैठी हुई है। हाँ, थोड़ा जांच कर रहे हैं कितना धार हुआ नहीं हुआ, देखते हैं धार को। हाँ, अब धार होने वाला है, धार हो जा रहा है। वो कैसा लगता है इसे करने में? इसको ओ थोड़ा लगता है, यहाँ धार टाइप का लगता है ना, टाइप का लगता है। हाँ थोड़ा। हाँ हाँ, और ज़्यादा चुप कीजिए। हाँ हाँ, करेंगे। थोड़ा स्पीड काटेगा। हाँ, स्पीड काटेगा। हाँ देखिए, बहुत धार अच्छा बना लिए हम, आप जा रहे हैं जंगल को काटने के लिए। पूरा एकदम पापा का पसीना निकल गया, गर्मी। हाँ, पूरा गर्मी आ गया, पूरा चोखाते चोखाते। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा धार हो गया, पूरा एकदम पूरा मस्त, पूरा चमकने लगा। लेकिन ना लीजिए, पूरा लेकिन काटेगा एकदम खचाखच, पूरा काट लेगा। हाँ, सूखा लकड़ी ले आना है ना। हाँ दोस्तों, पापा इन लोग चल गए जंगल, माँ और पापा, तो हम चलिए चलते हैं, मूर्ति लाने जाना है सरस्वती माँ का। चलिए रेडी होते हैं और चलते हैं। दोस्तों हम रेडी हो गए, अब चलिए चलते हैं मूर्ति लाने, और आप लोग को भी दिखाएंगे हम लोग का मूर्ति कैसा है। सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मूर्ति के पास, ये देखिए हम लोग, हम सब आए हुए हैं, मेरा भाई है, और ये देखिए पूरा एकदम बड़ा सा मूर्ति बना हुआ है। तो ये हम लोग का नहीं है ना। हाँ चलो, हम लोग का जो मूर्ति है वही देखते हैं। हाँ ना, ये देखिए यहाँ बहुत ही सारा बना हुआ है मूर्ति, तो ये वाला हम लोग का मूर्ति है भाई। हाँ देखो तो बोला, अच्छा है ना, देखो आगे देखो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हम लोग का यही मूर्ति है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हम लोग का मूर्ति कैसा है। हाँ भाई, हाँ अच्छा है ना। हाँ बहुत। हाँ चलो ठीक है, ये देखिए यही है। और चलिए और आप लोग को दिखाते हैं, इधर भी बहुत ही सारा मूर्ति है। चलिए इधर भी है, ये देखिए ये पीपल का पत्ता का बना हुआ है, इधर भी बहुत ही सारा मूर्ति है। ये देखिए पूरा अच्छा अच्छा मूर्ति बना हुआ है। चलिए अभी और दिखाते हैं, ये देखिए ये भी बहुत ही सुंदर है। चलिए और दिखाते हैं अभी, देखिए ये सब भी मूर्ति बहुत ही अच्छा है, पूरा अच्छा अच्छा मूर्ति है। दोस्तों यहाँ काफ़ी लेट हो गया, यहाँ मूर्ति उठाएंगे और चलेंगे घर की ओर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए दोस्तों, बाय बाय।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।